अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं रिव्यू देने लगी हूँ इसका ब्रिलियंस बाउंस शैम्पू। ये मैंने ऑर्डर किया था संडे को और आज मुझे मिला है। आज है जी मंडे, लाइक एक दिन में आपको ये मिल जाता है। ऑनलाइन मैंने बाई किया है और माना कि प्रोडक्ट्स ये क्लेम करते हैं कि इनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ये ऑर्डर करवा लूँ। ब्रिलियंस बाउंस शैम्पू है ये। इससे ये होता है कि वॉल्यूम जो है ना हेयर्स का, ये क्लेम करते हैं। और इसके अलावा इसका मैं डिटेल्स, और ये लिखा हुआ यूज़ विद इन 6 मंथ्स आफ्टर ओपनिंग, ठीक है। लेकिन ये जब मैंने इसको ओपन किया था ना, तो ये ऑलरेडी लाइक पैक्ड नहीं था, बिल्कुल पैक्ड नहीं था, लेकिन इसी तरह से ही था। आई डोंट नो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने ओपन करने के बाद 6 मंथ्स के अंदर अंदर इसको यूज़ करना है। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ ये हैं। इसके अंदर क्या है जी, सी सॉल्ट है, क्लींजिंग है, क्लींजिंग बेस है, अच्छा वर्जिन कोल्ड। इसमें मैंने जो है हेयर्स पे कैराटिन करवाया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया था, क्योंकि सॉरी इसमें बहुत ब्लर आ रहा है, आई डोंट नो वाई, शायद ये कैप्चरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है, आलमंड ऑयल है। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो मैं ख़ुद फाइंड आउट कर रही हूँ। इसमें पड़ा हुआ था कैराटिन कुछ, अच्छा उसके बाद इसमें लेमन ऑयल पड़ा हुआ है, सिट्रस पड़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो है ना आपके हेयर्स को शाइनी बना देते हैं लेमन ऑयल, तो इस वजह से इट्स गुड। मैंने सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखे थे कि इसके अंदर कोई भी दूसरा स्टफ ना हो, आई मीन टू से कि इसमें कोई लाइक ऑर्गेनिक हो, तो इस वजह से मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स देख के, हाँ कैराटिन ट्रीटमेंट, इस पे कैराटिन प्रोटीन भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको अप्लाई कर लूँ, मैं यूज़ कर लूँ कि इसका रिज़ल्ट किस तरह का होगा। लेकिन मैंने एक चीज़ इनकी फ़ील की है कि मैंने इनका शैम्पू और इनका बॉडी वॉश एक ऑर्डर करवाया था, बॉडी वॉश, तो उसकी और इसकी दोनों की फ्रेग्रेंस जो है ना वो कुछ सेम है, इस तरह से है जैसे कि एलोवेरा है। इट सीम्स लाइक जैसे कि एलोवेरा का प्लांट होता है ना, उसकी जैसे फ्रेग्रेंस होती है, कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंस थी। वही फ्रेग्रेंस इस शैम्पू में भी है और वही फ्रेग्रेंस इनके बॉडी वॉश में भी थी। तो मैं इसको ट्राई करूँगी, फिर आपको मैं रिव्यू दूँगी। और आप लोगों में से जिस बंदे ने भी ये यूज़ किया है, काइंडली आप लोग कमेंट में मेंशन करें कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज ही पार्सल आया तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना इसको आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलें जी, आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।